ओके सो भाई साहब, आज है 12वां दिन, आज है खिलाड़ी कुमार का फिर से परीक्षा घड़ी। क्या लगता है आज अपने 12वें दिन पे खिलाड़ी ने क्या कुछ जबरदस्त रिस्पांस कैप्चर किया? क्या लगता है भाई साहब मूवी को कितनी ऑक्यूपेंसी मिली होगी? क्या लगता है भाई साहब आज मूवी कितनी कमाई कर सकती है? सो उससे पहले आप ये जान लो, अभी तक मूवी को जितनी कमाई हुई है भाई, यहाँ पर मैक्सिमम कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आए, ओवरसीज से कलेक्शन का अता पता नहीं। मतलब ये समझ जाओ कि ओवरसीज से सिर्फ और सिर्फ चंदा आ रहा है, कलेक्शन नहीं आ रहा। जो भी मूवी कमाई करे सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑडियंस सपोर्ट करे, बिकॉज राम सेतु इंडिया की हिस्ट्री है एंड ये कहीं ना कहीं वो अंग्रेज लोग समझते हैं एंड इसी वजह से भाई साहब अंग्रेजों ने सपोर्ट तो नहीं किया, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं जब तक है जान लगे रहेंगे भाई साहब यहाँ पे राम सेतु के सपोर्ट में। क्या लगता है भाई साहब आज मूवी ने कितने कलेक्शन किए? उससे पहले ये जान लो कि आज मूवी को कितनी ऑक्यूपेंसी मिली भाई साहब यहाँ पर मुंबई को छोड़ के। यस गाइस, मुंबई को छोड़ के दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर और वडोदरा, ये वो कुछ जगह भाई साहब जहां पर सैटरडे के दिन आज 12वें दिन पे मूवी को दबा के ऑक्यूपेंसी मिली। और ये वही जगह है जहां पे भाई साहब आने वाले दिन के अंदर, मतलब संडे के दिन, मतलब डे नंबर 13 के ऊपर मूवी के शोज बढ़ने वाले हैं एंड ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भाई साहब। यहाँ पर भाई साहब अपने लगभग तीसरे वीक के अंदर आते आते कितनी सारी मूवीज गायब हो जाती है। कई सारे लोग सोचे थे कि राम सेतु गायब हो जाएगी, बट अभी गेम खत्म नहीं हुआ भाई साहब। अभी भी यहाँ पर कुछ जगह है, कुछ सिटीज है, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सपोर्ट में लगे हुए, दबा के मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं एंड उन्हीं लोगों की वजह से मूवी चल रही है। सो भाई साहब क्या लगता है आज मूवी कितने कलेक्शंस कर सकती है? सो भाई साहब यहाँ पर डे नंबर 11 के ऊपर, मतलब भाई साहब यहाँ पर लास्ट फ्राइडे के दिन, जहाँ पर तीन मूवी रिलीज हुई थी भाई साहब, मूवी ने कलेक्शंस किए थे 1.20 करोड़ नेट इंडिया। और गाइस आज सैटरडे के दिन काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला है इन कुछ जगहों पे जहां मैंने आपको नाम लेकर के बताया, यहां से गाइस आज मूवी को अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी मिली, अच्छी खासी कलेक्शंस आने की उम्मीद नजर आ रही है एंड इसी वजह से आप ये बात मान के चलो कि आज मूवी कम से कम 2 करोड़ की भाई साहब कलेक्शन करने वाली है। यस भाई साहब, आज मूवी को जबरदस्त तरीके से 2 करोड़ के कलेक्शंस मिलने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया और कहीं ना कहीं इट मींस भाई साहब मूवी कलेक्शंस यहां पे बढ़ने वाले हैं। 1.20 करोड़ से डायरेक्टली 2 करोड़ तक बढ़ना बहुत खुशखबरी वाली बात है और कहीं ना कहीं जब शोज बढ़ जाएंगे तो और जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा यहाँ पे संडे के दिन। सो ओवरऑल फिलहाल के टाइम पे जो कलेक्शंस हुए 10 दिनों के 69 करोड़ भाई साहब यहाँ पर नेट इंडिया हो चुके हैं। अगर बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, सो गाइस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिलहाल के टाइम पे 87 करोड़ प्लस हैं एंड ये एक्चुअल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 87 करोड़ प्लस ही हैं। और मेरे हिसाब से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और जबरदस्त बढ़ जाते अगर यहाँ पे ओवरसीज सपोर्ट मिलता, अगर अंग्रेज की औलाद सपोर्ट करते, बट अंग्रेज के वाला सपोर्ट क्यों करेंगे, उनकी हिस्ट्री थोड़ी है भाई, ये हमारी हिस्ट्री है, सपोर्ट भी हमको करना पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या कुछ होता है भाई साहब। क्या ये मूवी अपने 12वें दिन यही एक्चुअल कलेक्शंस करने वाली जो हमने बात की, क्या मूवी भाई साहब आज के दिन 2 करोड़ के कम से कम कलेक्शन करने वाली है? प्लीज कमेंट कर बताना आपको क्या लगता है भाई साहब मूवी आने वाले दिनों के अंदर संडे के दिन खास तौर पर दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा, जयपुर से क्या जबरदस्त कमाई करने वाले, प्लीज़ कमेंट करना। अगर आप वहाँ से तो प्लीज़ कमेंट करना भाई साहब। मुझे तो काफ़ी ज़बरदस्त खुशखबरी मिल गई भाई साहब, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ जगह हैं जहाँ से अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी मिल रही है, अच्छे खासी सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय।